अध्याय 6 में व्यवसायिक का सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता के बारे में बातचीत करी है। हम सबसे पहले सामाजिक दायित्व की अवधारणा को समझते हैं। व्यवसाय समाज का एक अंग है। व्यवसाय को उन सभी बातों का पालन करना चाहिए जो समाज के लिए जरूरी हैं। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करने से है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है। व्यावसायिक इकाई को सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रिया करनी चाहिए। सामाजिक दायित्व के पक्ष में जो तर्क बनता है वह निम्न बिंदुओं से हम भली भांति परिचित हो पाएंगे। व्यवसाय के को आधुनिक अवधारणा के व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की मान्यता को समर्थन देती है। इस पक्ष में जो तर्क हैं वह हैं, पहला, अस्तित्व एवं वृद्धि के लिए। व्यवसाय का अस्तित्व वस्तु एवं सेवाओं द्वारा मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने का पर निर्भर करता है। व्यवसाय की उन्नति एवं व्यवसाय तभी संभव है जब समाज को वस्तु एवं सेवाएं लगातार उपलब्ध होती रहती हैं। दूसरा, फर्म का दीर्घकालीन हित। एक फर्म लंबे समय तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका एक लक्ष्य समाज सेवा करना भी हो। तीसरा, सरकारी नियमों से बचाव। यदि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व की पूर्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इससे व्यवसाय की स्वतंत्रता समाप्त होती है। इसलिए व्यवसाय को स्वेच्छा से समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। चौथा, सार्वजनिक छवि। यदि व्यवसाय अपनी सामाजिक दायित्व को पूरा करता है तो उसकी सार्वजनिक छवि सुधरेगी, जिससे उसको उसकी सफलता को बढ़ावा भी मिलेगा। पांचवा, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। उद्योगों से पर्यावरण दूषित होता है। इस पर्यावरण प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उद्योगों को इस प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से 5 बिंदु तर्क में पर्याप्त हैं। आगे हम इसके 5 बिंदु विपक्ष के तर्क में पढ़ेंगे। पहला बिंदु, हम लाभ बढ़ाने का उद्देश्य का उल्लंघन को लेते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। इसे अपने साधन एवं शक्तियां सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु, उपभोक्ताओं पर अनुचित भार। व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करने से में बहुत सारा खर्च होता है। यह खर्च अत्यंत अंत में व्यवसाय के ग्राहकों को ही भरना पड़ता है, जिससे वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है। तीसरा बिंदु, सामाजिक कौशल की कमी। व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों में सामाजिक समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो जाती है। इसलिए सामाजिक समस्या का समाधान इन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा किए जाना अनिवार्य होता है। चौथा, जन समर्थन का अभाव। जन समुदाय द्वारा व्यवसाय का सामाजिक कार्यक्रमों का हास्य पसंद नहीं आता। इसलिए कोई भी व्यावसायिक उपक्रम जनता विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता एवं सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता। विभिन्न हित समूहों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक दायित्व। व्यवसाय का समाज विभिन्न समूह जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहकों, सरकार और समुदाय के साथ रहता है। विभिन्न समूहों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं। पहली जिम्मेदारी में हम मालिक अथवा निवेशक के प्रति उत्तरदायित्व को लेते हैं। इसका पहला उत्तरदायित्व में स्वामियों एवं अंशधारियों के निवेश पर उचित एवं नियमित प्रतिफल सुनिश्चित करना है। दूसरा, निवेश किए गए कोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा, कंपनियों के प्रति एवं वित्तीय स्थिति की पूर्ण जानकारी निवेशक को देते रहना। तीसरा, व्यावसायिक संपत्तियों की सुरक्षा करना। चौथा, व्यवसाय के सभी प्रकार के निवेशक के हितों की रक्षा करना। अब हम कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व को लेते हैं।
जिसमें पहला उचित पारिश्रमिक देना, काम करने के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना, तीसरा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का आदर करना, नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना। उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व को लें तो उसमें पहला पॉइंट हम अच्छी क्वालिटी की वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना ले सकते हैं। दूसरा ग्राहकों की रुचि के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना। तीसरा वस्तु के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। चौथा उपभोक्ता की शिकायतों का सीघ्र व सावधानी पूर्वक निपटारा करना। विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना तथा मुनाफाखोरी व मिलावट आदि बुराइयों को दूर रखना। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व को देखा जाए तो इसमें पहला हम सरकार को समय समय पर करों को भुगतान ईमानदारी पूर्व से करें। दूसरा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा कानूनों का निष्ठा से पालन करना। तीसरा अनैतिक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र का लाभ न उठाना। समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व को ले तो हम रोजगार के अवसर को ले सकते हैं, वातावरण को दूषित होने से बचाने को ले सकते हैं, समाज की उन्नति की तरफ ले जाने वाले कार्यक्रमों में सहयोग देने को बोल सकते हैं। व्यवसाय एवं वातावरण का संरक्षण में हम पहले व्यवसाय के वातावरण का अर्थ को समझेंगे। मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण को ही पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। ये वातावरण प्रकृति संसाधनों से भरपूर है और मानव जीवन के लिए उपयोगी है। वातावरण प्रदूषण के अर्थ को अब हम और नजदीक से जानते हैं। इसमें हम वातावरण प्रदूषण वह होता है जिससे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों द्वारा हवा, भूमि तथा जल में बदलाव आते हैं। वातावरण के प्रदूषण के साथ व्यवसाय को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वातावरण को दूषित करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए व्यवसायिक फर्मों के लिए यह आवश्यक है कि चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित और उचित कदम उठाए, सुरक्षित रखें एवं उचित कदम उठाए। पर्यावरण प्रदूषण में हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को ले सकते हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हम यदि वायु प्रदूषण को लें तो मोटर वाहनों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड तथा कारखानों से निकला हुआ धुआं वायु प्रदूषण फैलाता है। इससे हमारी पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत में छिद्र हो गया, जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वह खतरनाक भी है। दूसरा जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे को नदी तथा झीलों में बहा दिया जाता है। प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हजारों पशुओं की मृत्यु हो जाती है, यह मानव के लिए गंभीर चेतावनी है। भूमि प्रदूषण के अंतर्गत हम इसकी व्याख्या करें तो यह प्रदूषण का कचरे को भूमि के अंदर दबा देने से है। इसके कारण भूमि की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है, भूमि की उर्वरक शक्ति पे भी कमी आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में, कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं। अधिक शोरगुल रहने से लोग अनेक बीमारियों का शिकार होते हैं तथा मानसिक रोग, दिल रोग और बहरेपन का होना हो जाता है। प्रदूषण के नियंत्रण की आवश्यकता है। इसके संबंध में हमें निम्न कार्यों को करना चाहिए। पहला, स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं को कम करना। कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारी हमारे समाज में मृत्यु का प्रमुख कारण है तथा ये बीमारी वातावरण को दूषित तत्वों के कारण प्रदूषण नियंत्रण द्वारा इन भयंकर बीमारियों को कम किया जा सकता है। दूसरा, सुरक्षा संकटों को कम करना। सर्दियों में वायु प्रदूषण के कारण कोहरा उत्पन्न होता है। स्पष्ट ना दिखाई देने के कारण अनेक वायु, रेल एवं सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट हम इसमें आर्थिक हानियों को नियंत्रित करने से मानते हैं। प्रदूषण के कारण देश को बहुत सी आर्थिक हानि पहुंचती है, जैसे ताजमहल प्रदूषण के कारण अपनी सुंदरता को खो रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने का मामला अत्यंत गंभीर है। तीसरा, अगला अगर अपन बिंदु लें पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। औद्योगिक संगठनों द्वारा ऐसी तकनीक प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें औद्योगिक कचरा कम हो तथा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जहाँ तक हो सके औद्योगिक कचरे का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए।
प्रदूषण का कम करने के लिए संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। व्यावसायिक ग्रहों को प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों एवं कानूनों का पालन करना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें वृक्षारोपण, नदियों की सफाई एवं वन जीवन की सुरक्षा सम्मिलित है। व्यावसायिक नैतिकता के बारे में हम जानें तो नैतिकता से अभिप्राय उन नैतिक सिद्धांतों से है जिनके आधार पर व्यवसाय किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ है कि यह सोचना हम गलत कर रहे हैं या ठीक। एक व्यावसायिक इकाई को चाहे कि वह मूल वसूल करे, सही तौल कर दे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करे। व्यावसायिक नैतिकता के तत्वों को बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला तत्व उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता है। उच्च स्तरीय प्रबंध की नैतिकता के व्यवहार के विषय में संगठन में समझाने की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परिणामों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से नैतिक व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। दूसरा, समान कोड का प्रकाशन। ये वे उद्यम हैं जिनके पास प्रभावी नैतिक कार्यक्रम है। वे सभी संगठन के लिए नैतिक सिद्धांतों को लिखित प्रलेखों के रूप में परिभाषित करते हैं, जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, जैसे ईमानदारी, कानून पालन, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली आदि। तीसरा बिंदु, हम अनुपालन तंत्र की स्थापना को लेते हैं। यह निश्चित करने के लिए वास्तविक निर्णय का कार्य का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी चाहिए, जैसे कि भर्ती तथा भाड़े पर श्रम के लिए नैतिक मूल्यों को ध्यान देना होता है। चौथा बिंदु, हम प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी को सम्मिलित करना। व्यवसाय को नैतिकता का वास्तविक रूप देने के लिए कर्मचारी को प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि संबद्धता नैतिक कार्यों में भी हो सके। पांचवा बिंदु, परिणामों का मापन। यद्यपि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि नैतिक कार्यक्रमों का माप किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ मानक स्थापित करके ऐसा करना अनिवार्य होता है।